विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर, तो इनमें से कौन सा सही मैच हो रहा है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में फिजिकल कंसीक्वेंस, गुड और बैड की बात होती है कि अच्छा होगा या बुरा होगा, ये तो गलत है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होती, पनिशमेंट वाले में होती है, तो ये तो गलत मैचिंग है। पनिशमेंट एंड ओबीडियंस में लॉज आर नॉट फिक्स्ड, पनिशमेंट में तो फिक्स होते हैं ना कि अगर ऐसा करूंगा तो ठीक है, नहीं तो पनिशमेंट मिल जाएगी पेरेंट्स से, तो सोसाइटी के गुड के लिए चेंज नहीं होते, वो तो फिफ्थ स्टेज में होते हैं जो यहाँ पे है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। गुड बॉय गुड गर्ल में वन अर्न्स अप्रूवल बाय बीइंग नाइस, यस अच्छा बनने की कोशिश होती है गुड बॉय गुड गर्ल स्टेज में, ताकि दुनिया को हम दिखा पाए ना कि हम तो अच्छे हैं। लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, इसमें एथिकल प्रिंसिपल आर सेल्फ सेंटर्ड, ये भी नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर में तो आप सोसाइटी के रूल्स को चुपचाप फॉलो करते हैं, मतलब चेंज करने की बात नहीं होती, लॉ एंड ऑर्डर में जैसा चला आ रहा है उसी को चुपचाप फॉलो किया जाता है। तो सही जो मैचिंग है वो ऑप्शन 3 में है।